कांग्रेस की पहली सूची में जबलपुर संभाग की 23 सीट पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। जबलपुर की 5 सीट पर पुराने चेहरों पर ही कांग्रेस ने दाव लगाया है। सियोरा विधानसभा से ही नया चेहरा एकता ठाकुर को टिकट दिया गया है। पार्टी द्वारा नाम की घोषणा किए जाने के बाद अब सभी पार्टी अपनी चुनावी तैयारी में लग गई है। कांग्रेस की पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो जनता की बेहतरी के लिए काम किए हैं वह अब मूल्यांकन जनता करेगी। वहीं उत्तर मध्य विधानसभा से विधायक विनय सक्सेना का कहना है कि पार्टी ने एक बार फिर उनके नाम पर अपनी मुहर लगाई है और जीत के विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं पूर्व विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी ने कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए शीर्ष नेतृत्व द्वारा दी गई अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की बात कही। जी, मुझे लगता है कि पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं मैं, और एक कार्यकर्ता को सम्मान सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं शीर्ष नेतृत्व का, माननीय श्री राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, तनखा जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरजेवाला जी, श्रीनिवास जी, कृष्णा जी, मीनाक्षी जी, सभी का, जिन्होंने मेरी मदद करी और आज मुझे यहाँ पे आज आपके सामने खड़ी हूँ मैं। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। 20 साल से सत्ता का विधायक होने के बाद भी, सत्ता होने के बाद भी सिहोरा कुंडम में कोई खास विकास हुआ नहीं है। सिहोरा जिला का मुद्दा है, सिहोरा ओवरब्रिज नहीं बना है। सिहोरा में अगर अस्पतालों की हालत देखें तो वहाँ पे कोई भी मरीज जाता है रेफर टू मेडिकल, रेफर टू विक्टोरिया करता है और जब तक वो यहाँ आते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब एक बेसिक मुद्दे हैं जिनको लेके मैं जनता के बीच जाऊँ। भाई साहब, काफ़ी इंतज़ार थी टिकट की, आज टिकट आया? नहीं, इंतज़ार बिल्कुल नहीं था। हम तो एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जैसा आदेश पार्टी का मिलता है वैसे काम करते हैं। और आज आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा के आराधना का पर्व नवरात्रि का शुरुआत है, बैठकी का दिन है। सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से नवरात्र की शुभकामनाएँ। माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर बना रहे। जनसेवक के रूप में जो जनता ने आशीर्वाद दिया था, मैंने अपनी ईमानदारी से जो काम कर सकता थे पूरे किए। अब समय है मूल्यांकन का, वो करेगी क्षेत्र की जनता। मैंने हर विषय को महत्वपूर्ण मानकर जो जनता से जुड़े हुए थे प्रयास किया कि मैं उनका निदान करूं, लोगों की सेवा करूं। अब मौका है, मैं प्रशार्थी के रूप में मैंने 5 साल जो काम किया है मूल्यांकन करता हमारे क्षेत्र की जनता है, और वो हर काम का, हमारे आचार विचार का, हमारी सोच का, जो हमारा व्यवहार उनके साथ था उसका मूल्यांकन करके अंक दे। ST पर फोकस किया है, सब पे फोकस किया है, मध्य प्रदेश पर फोकस किया है। हर व्यक्ति किसी मजहब धर्म का हो, किसी वर्ग से आता हो, कोई भी काम करता हो, आज मध्य प्रदेश में दुखी है, उसकी बेहतरी के लिए काम करने पर फोकस किया गया, और यही फोकस हमारा रहेगा। फिर से एक बार कमलनाथ जी, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है। आज नवरात्र के दिन 144 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के तय हुए, 1, 4, 5 और 4, 9, तो ये जो 9 का अंक गणित है, माँ के आराधना के पर्व पर ये हमें जन आशीर्वाद दिलवाएगा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार जन आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बनेगी, और पुनः एक बार मध्य प्रदेश एक स्वर्णिम दौर में आए, इसके लिए हम काम करेंगे।